सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे और जिंदगी में कुछ नहीं सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ डू पीपल अर्न इन लैक्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग मी रेगुलरली। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर यू ऑल फॉर दिस क्वेश्चन कि पीपल और लोग इंस्टाग्राम पे इतने पैसे कमा कैसे लेते हैं। आपके समय तो इंस्टाग्राम खाली ब्राउज करने में, फोटो देखने में, वीडियो और स्टोरी देखने में चल जाती हैं। तो आप तो सोच रहे होंगे यार इंस्टाग्राम पे लोग कमा कैसे लेते हैं। लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन ऑन होती है, तो ऐसा कोई सच बात नहीं है। तो आइए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे लोग कैसे कमाते हैं और आप भी उनको फॉलो करके कैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात है कि लोग कमाते कैसे हैं उसके सोर्सेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लोग मेन क्या बेसिकली यूज़ करते हैं, लोग 3 से 4 तरीके यूज़ करते हैं और उसी में से आपको या तो कुछ नया तरीका आजमाना पड़ेगा या तो वही जो लोग करते हैं वही आपको भी करना रहना पड़ेगा। तो क्या करते हैं पहले वो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको एक एक करके। तो लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले तो लोग करते हैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ है क्योंकि उस वो आपको पे करते हैं। बिग बिग कंपनीज हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड्स हैं जो कि आपको एक प्रोडक्ट या फिर कुछ भी एडवर्टाइजिंग करने के लिए पैसा देते हैं। तो आप चाहें तो उसको आजमा सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं कुछ और आजमाना, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहते हैं तो फिर आप जो सेकेंड मेथड अपना सकते हैं वो है कोई प्रोडक्ट बेचना, एफिलिएट मार्केटिंग जिसे हम लोग कहते हैं कि किसी और से लेकर के आपको सेल करना है और बीच में अपना कमीशन खाना है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक लेकर के चीज़ को आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इंस्टाग्राम पे अपना एक अमेज़न फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट उठाया, उसे स्क्रीनशॉट खींचा और डाल दिया उसे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। उसके बाद आप उसको जा करके थोड़ा सा रिव्यू करें और थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेकर के आप इंस्टाग्राम पे डालें और नीचे अपना एफिलिएट लिंक दे दें। तो जो अगर मान लीजिए कि 10,000 लोग भी आपके प्रोफाइल को देखते हैं और उसमें से 10 लोग भी अगर अपने प्रोडक्ट पे क्लिक करके बाई कर लेते हैं तो उससे भी उन्हें बहुत सारा आपको कमीशन मिल सकता है। तीसरी अगर बात करें कि लोग कैसा है आजकल कमा रहे हैं तो वो है शॉपिफाई का, मतलब कि ई कॉमर्स स्टोर खोल के खुद का। तो आप चाहें तो अगर आपके पास एक ऑफलाइन बिजनेस है जो कि आपके पापा दादा या फिर ऐसा कोई रन कर रहे हैं तो आप चाहें तो उसको ऑनलाइन कर सकते हैं कम पैसे में, एक्चुअली फ्री में वो इंस्टाग्राम के मदद से आप कर सकते हैं, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे जा करके अपना एक बिजनेस ओपन कर सकते हैं, बिजनेस पेज ओपन कर लीजिए, उसमें जा करके आराम से अपने प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग कर लीजिए, फोटो डाल दीजिए और उसके बाद उसे आराम से मार्केट करके बेचिए, चाहे अपने शहर में, चाहे नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, या जहाँ बेचना चाहें आप वहाँ पर। फिर अगर आप पूछेंगे कि यार मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकूँ, या फिर लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, ये भी इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत चला हुआ है। इसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अंदर आ जाता है एक्चुअली कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ के फ़ोटोज़ डाल दिए, आपने कुछ खाना खाया आप वैसा फ़ोटोज़ डाल दिए, आप कहीं घूमने गए वहाँ की फ़ोटो डाल दिए, आप कुछ मस्ती करते हैं दोस्तों के साथ, प्रैंक करते हैं उसकी वीडियो डाल दिए। आपको चाहिए क्या, तो केवल आपको फॉलोअर्स चाहिए, वही लोग कर रहे हैं। लोग अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कुछ भी डाल रहे हैं जो उससे कि लोग अट्रैक्टेड हो सकें और लोगों को पसंद आए, और उससे होता यही है कि लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं और वो फॉलोअर्स अल्टीमेटली जा करके उनके प्रोडक्ट्स के या फिर उनके लिए एक कमीशन के लिए बाद में साबित होते हैं। क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, ऐसा तो हम लोगों ने सुना ही होगा, तो जैसे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उतने ही आप एक से एक कंपनीज आपके पास आ सकती हैं जिससे कि आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स को और उनसे खास अच्छा खासा कमीशन ले सकते हैं। अगर आपके पास कंपनीज नहीं आ रही हैं तो आप तब भी एक ऑफ़र आजमा सकते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट खुद से बेचें, जो कि मैंने बता दिया, नहीं तो फिर आप अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का एक एफिलिएट का लिंक बना लें। ecaro.in है और भी ऐसे क्लिक बैंक है, ये सब हैं बहुत सारे आजमाने के लिए एफिलिएट के लिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि लोग आजकल लाखों एक्चुअली कमा रहे हैं, ये केवल मजाक की बात नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक्चुअली लोग इतने कमा रहे हैं। और ये मेरा बोलने का मकसद यही था, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको लगे रहना पड़ेगा, उम्मीद मत छोड़िएगा, पेशेंस रखिएगा। और अगर आप ऐसा होप करते हैं कि आपको एक महीने के बाद से ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लोग यहाँ पर 2-2 साल, 3-3 साल लगे रहते हैं, उसके बाद जा करके अर्निंग होती है। तो मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आप 2 से 3 साल लग ले रही है और मतलब कुछ आपको नहीं मिले, उससे अच्छा नहीं है। उससे अच्छा आप ये करिए कि आप कंटेंट डालिए जिसपे कि लोग आपके पास आए, आपको फॉलो बैक करें। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो हो सके आप 2 से 3 महीने में भी वो अचीव कर लें जो कि कोई बंदा 2 से 3 साल में भी अचीव नहीं कर पाता है। तो यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर ख़राब लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कमेंट्स में जा करके लिखिए कि आपको ये वीडियो पसंद क्यों नहीं आए।
तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए, और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।